गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसमें हम पढ़ रहे थे संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर नेक्स्ट टॉपिक था वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रिया में भी हमने कुछ एग्जांपल कर लिए थे, ऊष्मीय अपघटन की, प्रकाशीय अपघटन की। अब नेक्स्ट जो है वो है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है, वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति से छोटी छोटे उत्पादनों में टूट जाता है, वैद्युत अपघटन या कह सकते हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। परिभाषा में फिर से बोल रहा हूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति से छोटे छोटे उत्पादनों में टूट जाता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, हम उदाहरण लेते हैं जल का वैद्युत अपघटन। पहला उदाहरण है जल का वैद्युत अपघटन। तो देखो, जल का वैद्युत अपघटन कैसे होता है। जल, जल का रासायनिक सूत्र है H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। विद्युत धारा इसे प्रभावित करती है, विद्युत धारा। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। रासायनिक समीकरण संतुलित होने चाहिए। तो देखो, हम देखते हैं हाइड्रोजन दो, उत्पाद की तरफ भी दो, अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन एक, उत्पाद की तरफ दो। ऑक्सीजन को अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन को दो करने के लिए हमने इसको दो से गुणा कर दिया। लेकिन अब देखो, अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन चार हो गई, उत्पाद की तरफ भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन चार कर देंगे। अब ये रासायनिक समीकरण आपका संतुलित है। किस मेथड से संतुलित किया? हिट एंड ट्रायल मेथड से इसे हमने संतुलित किया। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, इसकी क्रिया विधि, जल का वैद्युत अपघटन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, ये क्रिया क्या, एक पॉइंट सात जो आपकी बुक में दिया हुआ है जल के वैद्युत अपघटन का है, VVIFP क्रिया क्लाप है। जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, जल का वैद्युत अपघटन कैसे होता है, इसके लिए क्रिया क्या दिया हुआ है। एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लास्टिक का मग लेते हैं। ये हमने प्लास्टिक का मग ले लिया। एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, इसमें प्लास्टिक का मग लिया। अब इसके पैंदे में दो छेद करते हैं, इसके पैंदे में क्या करते हैं, दो छेद करते हैं, और उन छेद में जो है कोर्क लगाते, एक छेद वाली कोर्क लगाते, पैंदे में दो होल किए, और इन होल में क्या किया, एक छेद वाला कोर्क हम लगाते हैं, यानी कि उसमें धक्का लगाते हैं जिसमें भी छेद है, ठीक है। और उस कोर की सहायता से जो है हम यहाँ पर ग्रेफाइट की छड़ या कह सकते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड फिक्स करते हैं। ये यहाँ वो गेट है, यहाँ पर ये हमने इसके द्वारा वो लगा दिया कोर और ये फिक्स करते हैं, ठीक है।
ये क्या था, प्लास्टिक का ठीक मग, ठीक है प्लास्टिक का मग। इसकी क्या था, कार्बन इलेक्ट्रोड या कह सकते ग्रेफाइट हो, ग्रेफाइट स्लॉट, ठीक है ये यहाँ पे किसका लग। अब इस मग में इतना पानी भरते हैं कि इनमें ये जो ग्रेफाइट की रोड है ये पूरी तरह से डूब जाए, इतना इनमें पानी भरते हैं। अब दो परक्रेली लेते हैं, दो परक्रेली लेते हैं, उन्हें जल से भरते हैं और उनको जो है ठीक इनके ऊपर इनके मुंह पे हाथ लगाकर जो है इसके ऊपर ढक देते हैं। ये इनके ऊपर ढक देते हैं, ठीक है। अब जो है जो ग्रेफाइट रोड है अब देखो जल में, जल को सुचालक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं, कुछ बूंदे क्या करते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं, तनु H2SO4 इसमें मिला लेते हैं, जिससे जल क्या होता है सुचालक हो जाता है, क्या हो जाता है सुचालक हो जाता है। अब 6 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, छह वोल्ट की एक बैटरी ली, छह वोल्ट की एक बैटरी लेते हैं, ये इसका प्लस वाला सिग्नल है और ये इसका माइनस वाला सिग्नल, इनसे जो है ये ग्रेफाइट रोड को जोड़ देते हैं, यहाँ एक बूंदी स्विच भी लगा देते हैं और इससे इसको जोड़ देते हैं, ये कुंजी है स्विच, ठीक है ऐसे इसमें से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्या है, धारा का स्रोत बैटरी, ये क्या है बैटरी, छह वोल्ट की बैटरी है जिससे इसे जोड़ देते, ये ग्रेफाइट रोड थी, यहाँ जल डाला है, जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया है ताकि जल सुचालक हो जाए, क्योंकि शुद्ध जल जो होता है वो सुचालक होता है, यहाँ ऐसे कि सॉल्यूशन इसमें मिक्स कर दिया तो क्या हो गया सुचालक हो गया, हमने विलयन मिला दिया, ठीक है। अब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो देखो ये यहाँ प्लस हो रहा है, ये एनोड हो गया, ये क्या हो गया एनोड, और जहाँ माइनस हो रहा हुआ है वो क्या हो गया, ठीक है। अब जब प्रवाहित करते हैं तो कुछ बुलबुले बनते हैं, क्या होता है बुलबुले बनते हैं, ऐसे बुलबुले बनते हैं, इसमें भी बुलबुले बनते हैं, बुलबुले बनने का अर्थ है कि कोई गैस उत्पन्न हो रही, बुलबुले बनने का क्या है कोई गैस उत्पन्न हो रही है। अब देखो जैसे बुलबुले बनेंगे जब बाहर आता जाएगा उस भाग में गैस बनती जाती है, बुलबुले बनने का कारण क्या था गैस को उत्पन्न, तो उत्पन्न गैस उस भाग में बढ़ती जाती है, क्लियर उस भाग में गैस, ये बुलबुले बन रहे और ये। तो देखो यहाँ दो परक्रमी थी, दोनों में ही बुलबुले बने, यानी कि दोनों में ही कुछ गैस बने। अब पानी को जल जो भरा हुआ था परक्रमी में वो तो क्या होता है बाहर आ जाता है, इनमें से वो तो क्या होता है बाहर आ जाता है और वहां क्या बढ़ जाती है जो है उत्पन्न गैस बढ़ जाती है। अब परक्रमी को निकल के निकाल लेते हैं, अब गैस की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं जैसे गैस निकल रही है वापस तो उनके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, मोमबत्ती
नीली लो के साथ तेजी से जल रही है, इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन गैस है। और यदि मोमबत्ती फटफट की ध्वनि अर्थात पॉप साउंड के साथ जल रही है तो इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन गैस है। तो देखो हम जांच की तो ये गैस तो कौन सी पाई गई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एनोड में तो कौन सी बनी, ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन सी बनी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखो यहाँ इनका आइटम ऑक्सीजन का आइटम ये है और हाइड्रोजन का ये है, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन का जो आइटम है वो ऑक्सीजन के आइटम से क्या है, दो गुना है। ये जो खाली भाग दिखाया है यहाँ चित्र में, इसका मतलब इस खाली भाग खाली नहीं है, यहाँ गैस है। ये ऑक्सीजन की मात्रा है और ये किसकी मात्रा है, हाइड्रोजन की। तो देखो ऑक्सीजन से डबल मात्रा में हाइड्रोजन दिखाई दे रही है, तो ऑक्सीजन से दो गुने आयतन में हाइड्रोजन गैस बनती है। ऑक्सीजन मान लो आयतन एक, तो हाइड्रोजन का आयतन कितना है, आयतन दो, यानी कि दो गुना है, हाइड्रोजन या दो गुनी मात्रा में उत्पन्न होती। चित्र की हेडिंग क्या होगी, जो हमने यहाँ पर जल का वेगवत अपघटन, तो इस चित्र के नीचे में आप क्या हेडिंग बनाओगे, जल का वेगवत अपघटन, जल का वेगवत। तो देखो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को दो गुनी मात्रा में क्यों बनी, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कि आपने ऑक्सीजन का आयतन एक हाइड्रोजन का दो, यानी कि दो गुनी है, तो हाइड्रोजन या दो गुनी मात्रा में क्यों बनी, तो इसका आंसर होगा जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 2:1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 2:1। जब इसका अपघटन होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की अभिक्रिया होती है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन क्या है, एक, यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है, इसलिए हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से दो गुनी मात्रा में उत्पन्न होती है। क्लियर है, इस क्रियाकलाप में किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। VBIM की क्रियाकलाप है, सामान्य क्वेश्चन बोर्ड में आता है, पूछा जाता है जल के वेदुत अपघटन का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये रहा जल के वेदुत अपघटन का रासायनिक समीकरण ये लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है जल के वेदुत अपघटन की विधि का नामांकित चित्र बनाइए और विधि लिखिए, नामांकित चित्र भी पूछता है और विधि भी पूछता है, तो बहुत आसान है, विधि याद है, चित्र बना सकते हैं, प्लास्टिक का मग लेते हैं, उसके पेंदे में जो छेद करते हैं उन छेद में कार्बन इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक कोर्क लेते हैं, कोर्क की सहायता से कार्बन इलेक्ट्रोड को पेंदे में फिक्स कर देते हैं, फिर जग में इतना पानी, मग में इतना पानी भरते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन ग्रेफाइट बोल लिए, ग्रेफाइट कार्बन का ही ग्रुप है, यानी कि कार्बन का ही ग्रुप है, ये कार्बन इलेक्ट्रोड यही है। क्लियर, इतना पानी भरते हैं इनमें, जल भरते हैं कि इलेक्ट्रोड इसमें डूब जाए। फिर देखो ये शुद्ध जल है और शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है, इसे सुचालक बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं। फिर दो प्रणाली लेते हैं, उन्हें जल से भरते हैं और उनके मुंह पे अंगूठा लगाकर उन्हें या ढककर जो है दबाकर कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उनकी चित्रानुसार व्यवस्थित कर देते हैं। मुंह को इसलिए बंद किया है ताकि पानी बाहर नहीं निकले, ठीक है। अब देखो जो कार्बन इलेक्ट्रोड थे इन्हें 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी में 2 सिरे होंगे, एक धन सिरा होगा दूसरा ऋण सिरा होगा, धन सिरे से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे वो एनोड होगा और ऑक्सीजन जो है वो किस पर बनेगी, एनोड पे ही बनेगी, ध्यान रखना, और जो ऋण सिरा है उसे कैथोड से जोड़ देते हैं, बीच में एक कुंडली स्विच लगाते हैं, जोड़ने के बाद स्विच को ऑन किया, ठीक है, तो धारा प्रवाहित हुई और प्रवाहित धारा के कारण जल का वेदुत अपघटन हुआ, यानी कि जल जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डूबता है,
और हमें परत नली में बुलबुले बनते हुए दिखाई देते हैं। बुलबुले बन रहे हैं, बुलबुले बनते हुए दिखाई देते हैं। बुलबुले बनने का अर्थ होता है कि कोई गैस उत्पन्न हो रही है, कोई गैस उत्पन्न हो रही है, और उत्पन्न गैस की फिर हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो दोनों परत नली को फिर हमने सीधे की गैस निकल रही है, जलती मोमबत्ती उस गैस के संपर्क में लाते हैं। तो हमने एनोड वाली जो परतनली थी उसके संपर्क में मोमबत्ती ले जाते हैं तो वह नीली लोह के साथ तेजी से जलती है। इसका अर्थ हुआ कि उत्पन्न गैस ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन नीली लोह के साथ तेजी से जलती है। ठीक है, अब देखो दूसरी के पास लेके जाते हैं तो मोमबत्ती फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, धमाकेदार आवाज विस्फोटक ध्वनि के साथ जलती है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है ये पहचान। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड होती तो क्या होता, यदि मान लो गैस है नहीं आपने, ऐसे में पूछ रहा हूँ मोमबत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में ले जाएंगे जलती हुई मोमबत्ती को तो क्या होगा, जलती हुई मोमबत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में ले जाने पर क्या होगा, मोमबत्ती बुझ जाएगी। विराज ने आंसर दिया, वेरी गुड, मोमबत्ती क्या होगी, बुझ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये हो गया जल का वैद्युत अपघटन। जल के वैद्युत अपघटन के रासायनिक समीकरण विधि चित्र में कोई परेशानी है तो बोले, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो बोले, और यदि नहीं है तो ओके कर दें, डन कर दें। ओके, अब देखो नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो नेक्स्ट अभिक्रिया स्टूडेंट, मैंने तुम्हें बताया आपको हम यहाँ पांच प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। पहली थी संयोजन अभिक्रियाएं, और दूसरी है वियोजन अभिक्रियाएं, और तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। चलो एक सब और मैं बता देता हूँ, संयोजन और वियोजन दोनों से मिलकर पूछा जाता है विस्थापन से पहले। देखो जल का निर्माण हुआ, हमने संयोजन में पढ़ा था जल का निर्माण कैसे हुआ था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाती है, यही पढ़ा था। तो ये जल का निर्माण ये क्या थी, संयोजन अभिक्रिया। ये क्या था, संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया भाई जल का निर्माण कब होता है, जब हाइड्रोजन का दहन होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन से अभिक्रिया का मतलब दहन होना है। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, तो हाइड्रोजन के दहन से क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन के दहन से यहाँ क्या बनता है, जल। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भी कारक थे, दो भी कारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, कैसी संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब देखो हमने जल का वैद्युत अपघटन पढ़ा, जिसमें H2O विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित करते हैं तो किसमें टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया हो गई वियोजन, या क्या कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। ये क्या हो गई, अपघटन अभिक्रिया हो गई। क्लियर है, क्या हो गई, अपघटन अभिक्रिया। तो देखो संयोजन में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे थे, और वियोजन में जल का अपघटन हुआ और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गए। तो संयोजन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं होती है। संयोजन की विपरीत अभिक्रिया क्या हो गई, जल का वैद्युत वियोजन हो गई, यानी वियोजन अभिक्रियाएं हो गई। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोजन हुआ, जल का निर्माण हुआ, वियोजन में क्या हुआ, जल का अपघटन हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाती है। तो हम कह सकते हैं संयोजन अभिक्रियाएं जो है वो क्या होती है, वियोजन अभिक्रियाओं की विपरीत अभिक्रियाएं होती है। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। अगली क्या है, विस्थापन अभिक्रिया।
अभिक्रियाएं। तो देखो स्ट्रेस विस्थापन अभिक्रियाएं इंग्लिश में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को अन्य अधिक अभिक्रियाशील तत्वों द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका अर्थ ये हो गया कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को अन्य तत्व द्वारा क्या होगा, हटाया जाएगा और वो उसके स्थान पर आ जाएगा। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, विस्थापन अभिक्रियाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को किसी अन्य अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित तत्व या परमाणु अन्य किसी तत्व या परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट्स इनमें कंडीशन होती है या अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकता है, कम अभिक्रियाशील तत्व कभी भी अधिक अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं करेगा। ध्यान रखना यह कंडीशन है, कम क्रियाशील तत्व को अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित किया जाएगा। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और अन्य तत्व कम क्रियाशील है तो उसे विस्थापित नहीं कर पाएगा, अर्थात वो अभिक्रिया नहीं। क्लियर है? फिर से मैं परिभाषा बता दूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित तत्व या परमाणु को अन्य किसी अधिक अभिक्रियाशील तत्व या परमाणु द्वारा विस्थापित कर किया जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो देखो स्टूडेंट्स यहां ए बी सामान्य अभिक्रिया ले रहा हूं, ए बी ये ए बी है और ये अन्य तत्व सी है, क्या है, सी है। अब ये सी जो है वो इस बी से ज्यादा क्रियाशील है, इस बी से ज्यादा क्रियाशील है, सी भी क्या करता है, इस बी को यहां से विस्थापित कर देता है, हटा देता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। तो क्या हो गया, ए सी प्लस बी, प्लस बी बन जाता। तो देखो यहाँ ये बी जो बीता उसे सी जो कि अधिक अभिक्रियाशील है बी की तुलना में, वो इस बी को यहाँ से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, क्या बन जाता है, ए सी का निर्माण कर लेता। ये सामान्य अभिक्रिया परिभाषा के लिए, ये यौगिक का ये अन्य अभिक्रियाशील तत्व जो कि यहाँ कम अभिक्रियाशील यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, स्वयं उसके स्थान पर आ रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या है, विस्थापन। अब लेते हैं उदाहरण, कॉपर सल्फेट ये अभिक्रिया जिंक से कराते हैं, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे कराते हैं, जिंक से, CuSO4 का नाम क्या है, कॉपर सल्फेट और ZN क्या है, जिंक। तो कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से कराते हैं। अब यहाँ कॉपर तना है और जिंक भी क्या तना है, सल्फेट क्या लेना है, तो सल्फेट का कोई लेना तना नहीं, सल्फेट से जिंक अभिक्रिया नहीं करेगा, यहाँ पे इसको विस्थापित नहीं करेगा, इससे कॉपर से कंपेयर किया जाएगा। तो कॉपर की तुलना में जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये जिंक क्या करता है, इस कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है, हटा देता है और खुद उसकी जगह आ जाता है। तो बताओ क्या बनेगा, जिंक यदि कॉपर को विस्थापित करता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, बता सकते हो क्या, केमिकल फॉर्मूला लिख दो, नहीं आ रहा है, तो देखिए जिंक इसको यहाँ से विस्थापित करेगा कॉपर को, यहाँ से
स्थापित करेगा कॉपर को तो क्या बनेगा शेड एंगल। जिनका भी हमारे SO4 के साथ दोनों की संयोजकता बराबर है तो ऐसे केस में आ जाएगा। संयोजकता अलग होती है तो मैंने बताया आपको संयोजकता से कैसे निर्माण कर सकते हैं। ZnSO4 बन जाता है तो कॉपर को अलग कर देता है यहां से हटा देता तो जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण हो जाता। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका लेना है फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के साथ डन कर दें। चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं स्थापन अभिक्रिया का। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, वही कॉपर सल्फेट है। इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं, मैग्नीशियम से तो क्या बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर बन जाता। मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर का निर्माण होगा। CuSO4 का नाम कॉपर सल्फेट है, Mg मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है कि कॉपर को यहां से क्या करेगा विस्थापित कर देगा, मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण कर लेता है, कॉपर बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट आयरन से अभिक्रिया करता है। तो देखो आयरन भी कॉपर से क्या है अधिक अभिक्रियाशील है तो ये क्या करेगा इसको यहां से कॉपर को विस्थापित करेगा, क्या बन जाएगा आयरन सल्फेट या इसे कहते हैं फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बन जाता। इस अभिक्रिया के लिए क्या क्या किया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है नीला, ऐसा होता है नीला, और जैसे आयरन सल्फेट बनता है विलयन कैसा हो जाता है हल्का हरा, कैसा हो जाता है हल्का हरा हो जाता है। इसका नाम क्या था कॉपर सल्फेट, ये क्या है आयरन, ये क्या है आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट और ये क्या है आपके कॉपर, क्या है कॉपर। क्लियर है। तो देखो रंग भी परिवर्तन हो गया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डाला फिर उसमें आयरन का मतलब लोहा लोहे की कील डाल दी, क्या डाल दी उसमें लोहे की कील डाल दी और इसको कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया। कुछ घंटों बाद हम क्या देखते हैं, कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है, जो नीला बनता है वो लुप्त हो जाता है। कैसा हो जाता है वो हल्का हरा हो जाता है, हल्का हरा क्यों हो जाता है फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हो जाता है। और जो कील थी वो भूरे रंग की हो जाती है, क्यों, क्योंकि उस पर कॉपर जमा हो जाता है, उस पर क्या होता है कॉपर जमा हो जाता है जिससे कील जो है लाल भूरी हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ आयरन ने कॉपर को क्या किया विस्थापित कर दिया और फेरस सल्फेट का निर्माण कर लिया इसलिए ऐसा होता है। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड लेड से अभिक्रिया करता है, लेड से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड
और कॉपर बना लेगा, समीकरण संतुलित होना चाहिए। कॉपर एक Cl2 दो एक एक लेड की संयोजकता दो है, कॉपर की भी क्या है दो है, तो क्या बना लेता है लेड क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। तो ये सभी अभिक्रिया किसके उदाहरण है विस्थापन अभिक्रियाओं के। तो विस्थापन अभिक्रिया के देखो एक दो तीन और ये चार एग्जांपल हो गए, क्या हो गए चार एग्जांपल। नेम क्या है इसका कॉपर क्लोराइड और ये इधर क्या बन गया लेड क्लोराइड बन जाता है। तो ये हो गए क्या आपके विस्थापन अभिक्रिया। अब बच्चों आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। बिल्कुल सही बात है। तो देखो इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी की जानकारी होनी चाहिए। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता अर्थात अवोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित किया जाता। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, वो श्रेणी कहलाती है सक्रियता श्रेणी। अब देखो सक्रियता श्रेणी में जो धातु उत्पन्न होंगी वो क्या होगी अधिक अभिक्रियाशील होंगी, वो क्या होंगी अधिक अभिक्रियाशील होंगी। जैसे ऊपरी परमाणु पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद सोडियम है, ऊपरी ऊपर पोटेशियम है, फिर सोडियम है और नीचे नीचे जो है सिल्वर, बीच में अन्य तत्व है और नीचे जो है वो है कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये नीचे है, यहाँ नीचे मान लो आयरन है। मैंने सभी तत्व ले लिखे इसमें कुछ ही तत्व लिखे हैं। तो जो ऊपरी ऊपर तत्व होगा वो क्या होगा अधिक क्रियाशील होगा और जो नीचे नीचे होगा वो सबसे कम क्रियाशील होगा, यानी कि यहाँ तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसमें सक्रियता श्रेणी क्वेश्चन पूछ गया जाता है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ऊपरी ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी, नीचे नीचे जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होगी। जो धातु कम अभिक्रियाशील होती है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, क्यों क्योंकि वो आसानी से जो है जल वायु इनसे अभिक्रिया नहीं करती। तो ये हमें पता चलेगा सक्रियता श्रेणी। जैसे देखो यहाँ कॉपर से तो अधिक अभिक्रियाशील धातु के नाम बताओ, जो घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है वो क्रियाशीलता के ये सबसे ज्यादा ये उससे कम ये उससे कम ये उससे कम ये उससे कम और सबसे कम क्या है आप प्लेटिनम है। अब देखो जैसे मैंने पूछा कॉपर से दो अधिक अभिक्रियाशील धातु के नाम, तो कॉपर से ऊपर के दो बता देते जैसे आयरन है सोडियम है मैग्नीशियम है ये सब ऊपर रहते हैं, जिंक है ये सब ऊपर रहते हैं। तो ये देखो कॉपर से दो कम अभिक्रियाशील धातु के नाम बताओ, तो यहाँ आ जाएंगे आप कैसे नीचे से जैसे सिल्वर है गोल्ड है प्लेटिनम है ये इनसे कम अभिक्रियाशील धातु में। अब देखो सक्रियता श्रेणी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सक्रियता श्रेणी का उपयोग जो है धातु निष्कर्षण में किया जाता है, इसलिए इनका विस्तार से अध्ययन अगले चैप्टर में चैप्टर थ्री में करेंगे, चैप्टर थ्री में करेंगे। क्लियर है? सक्रियता श्रेणी होगी। अब देखो नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, क्या है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और उससे दो नए यौगिकों का
निर्माण होता है वो कहलाती है दिविस्थापन अभिक्रिया। वो क्या कहलाती है? दिविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और से दो नए यौगिकों का निर्माण होता है दिविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। दिविस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, अगले भी क्लास में करेंगे। यहां तक यदि कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि क्लास एंड होने वाली है। किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछ लें। हाँ सर, काम की पीडीएफ कब